एक डंपर जो है ज्योतिपुरम सड़क पर हादसे का शिकार हुआ है। लगातार यहां पर हादसे होते रहते हैं, उसी के दौरान आज एक और डंपर जो है इस हादसे का शिकार हुआ है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक शहर समाचार। आपको बताएं कि सुबह से यहां पर डंपर है वो रेत से भरा हुआ यहां से रियासी की ओर जा रहा था, उसी दौरान ज्योतिपुरम के सड़क के पास यहाँ पर बोर्ड है, उसी के दौरान यहाँ पर एक हादसा हो गया। जिस डंपर का नंबर आपको बता दें कि JK20B4318 नंबर है। चालक ने प्रयास किया गाड़ी को बचाने के चक्कर में, उसको भी चोटें आ गई हैं। फिलहाल उसको रियासी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है प्राथमिक उपचार के लिए। लेकिन आपको बताएं कि लगातार यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और कई बार इनकी जो है मांग की गई है। आपको ये भी बता दें कि लगातार यहाँ पर जो सलाल के सरपंच बक्कल के सरपंच द्वारा यहाँ पर लगातार इसकी मांग उठाई गई थी कि जो सड़क यहाँ पर बनाया गया है इसकी इतनी चढ़ाई है कि उसके दौरान यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई वर्ष पहले भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें काफी मौतें हो गई थी और बस यहाँ चढ़ाई के दौरान वो खाई में गिर गई और काफी मौतें हो चुकी थी। उसी के दौरान आज एक और हादसा यहाँ पर पेश आया और पिछले माह पर भी एक हादसा पहले भी ट्रक चालक का यहाँ पर आया था, लेकिन किन कारणों से जो सड़क है पहली वाली उसको बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि NPCC ने अपना जो है सड़क बंद करने के बाद यहाँ पर जो है इस मार्ग से जाने का प्रयास किया है क्योंकि ये नया मार्ग बनाया था। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जिन्होंने ये मार्ग बनाया था कि उनकी पासिंग किसने करवाई है, ये भी बड़े सवाल जो है सामने निकल के आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या यही सड़क रहेगी या किसने पास की है, यह सवाल जरूर उठेंगे। लेकिन एक डंपर आज फिर हादसे का शिकार हो चुका है। शिकार क्यों हुआ, क्योंकि ये जो चढ़ाई इतनी ज्यादा दी है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि चढ़ाई इतनी ज्यादा दे दी है जिससे वह ये गाड़ियों को यह लोड इतना नहीं उठा सकती और आए दिन हादसे होते रहते हैं, उसी के कारण आज एक और डंपर जो है इस हादसे का शिकार हुआ है। जैसे बैंक अंदर है, लेकिन बैंक अंदर बैंक के काम के लिए अंदर आने के लिए किसी को मना नहीं है। हमारा जो गेट बना हुआ है उस गेट का थ्रू अंदर कोई भी आ सकता है। यहाँ पे हमारे मार्केट भी अंदर में लगा हुआ है और बाकी लोग सारे जो दो प्रॉपर गेट है वहाँ से आता है। किसी को कोई बैंक का काम में व मार्केट का काम में कोई रोक टोक नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट राय में रखें। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, धन्यवाद। Mm-hmm.